has, and it's over to commentary. 110 पर तीन अभी भी चाहिए 23 रन. और यहाँ पर अतुल, हमने देखा और सुना कि चेतावनी पंजाब की तरफ से कि अगले सीजन हम सबको हराएंगे. ये तो खासियत है पंजाबियों की, हराए ना हराए पर अनाउंस तो कर ही देते हैं वो भी गाते हुए लेकिन अच्छा है, अच्छा लगता है कि और एक टीम जुड़ेगी पंजाब से. अगर एक और टीम आती है तो मेरे ख्याल से रुचि भी बढ़ जाएगी इस टूर्नामेंट में और टैलेंट भी आएगा उभर के. और बड़ा मज़ा आता है कई बार आप बात करते हैं, इतने इस देश में अलग अलग तरह के कल्चर्स हैं. और मैं जब चेन्नई के लड़कों से बात करता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ, बहुत ही हम्बल और हर चीज़ अपनी सक्सेस भी दूसरों को एट्रीब्यूट करते हैं. और एक हमारे नॉर्थ के हैं वो बिल्कुल अलग है कि कह दिया जी जीत जाएंगे, अगर नहीं जीतेंगे तो नहीं जीतने का रीज़न तो ढूंढ ही लेंगे बाद में. तो 22 रन और ये तो वाइड का इशारा, जैसे ही बॉल ने टप्पा लिया वैसे ही अंपायर के हाथ उड़ गए थे वाइड के लिए. पर ये मैं कहूँगा अयाज की ये एक बिफिटिंग ऑफ अ फाइनल है. एक महीने से जो कल्मिनेशन है, ये बिल्डअप हो रहा था, ये दो बेहतरीन टीम्स और ये फाइनल भी बड़ा मज़ेदार हुआ है. एक तरफा होते होते पूरे थ्रिल दिए हैं इसने, कैचेस छूटे हैं, विकेट्स जा रही हैं, ऐसा लगता है दूसरी टीम को कि अभी मौका आया. और दूसरी टीम एक एक बीच में बड़ा शॉट लगाती चली जा रही है और ज़बरदस्त सितारे हैं यहाँ इंडस्ट्री के. वी हैव बीन थॉरली एंटरटेन एंड यहाँ पे क्राउड देखिए आप, इट्स अमेजिंग. तो स्टार्स भी है, दर्शक भी है और दर्शक क्या तादाद में आए हैं ये देखिए आप. ओह तो ये बताता है कि क्रिकेट और फिल्मों का ये जो मिलन हुआ है ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया था. और जिस तरह से अलग अलग इंडस्ट्री जुड़ती चली जा रही है तो ये बड़ा होता चला गया, क्योंकि ये आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते. लोगों को चाहिए था ये चीज़, इसकी एक डिमांड थी तो सप्लाई है और एंजॉय कर रहे हैं लोग. स्टीयर किया, सिंगल मिलेगा 16 ओवर के बाद 114 पर तीन. ये तो बात है कि ये रियलाइजेशन जो है कि जिसको ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, अगर वो अपनी खुशी अपनी किस्मत दूसरे के साथ थोड़ी सी शेयर कर ले तो कितनी जिंदगियां बदल सकती हैं. और ये दिखाया है सितारों ने और इनको देख के शायद ये जो इनके फैंस हैं वो भी प्रोत्साहित होंगे, वो भी होंगे. ओह क्या शॉट है, बहुत बहुत ही जबरदस्त शॉट. 6 रन कवर के ऊपर से खेला, लॉफ्टेड शॉट. उनके पिताजी अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर सकते. अखिल ने खेला था ये शॉट, वो स्ट्रेट खेला है एक्चुअली, कवर के ऊपर से भी नहीं. कमाल के रिएक्शन है, ये देखिए कितने इन्वॉल्व है, ऐसा लग रहा है खुद खेल रहे हैं बीच में. एक एक बॉल जो है वेंकटेश और नागार्जुन के चेहरे से पता लग सकता है, सारे गेम के उतार चढ़ाव जो है उनके अंदर चल रहे हैं और बड़ी प्राउड फीलिंग होती है कि बिल्कुल नागार्जुन से ज़्यादा एक्साइट तो वेंकटेश नजर आए. क्योंकि जब सीसीएल शुरू हुआ था पहले सीजन में वेंकटेश कप्तान थे और मुझे लगता है कि ये जो पिलर्स थे जिन्होंने बैक किया इसको पहले सीजन में, आज कितने खुश होंगे क्योंकि यहाँ पे जब पहुँचा है और वेंकटेश उनमें से एक प्रोमिनेंट फिगर थे सीसीएल को सही रास्ते पे डालने में और उसको लोकप्रिय बनाने में. तो राउंड द विकेट जा रहे हैं अशोक गेंदबाजी करने के लिए, अभी केवल 12 रन की जरूरत, 20 गेंद और भी बाकी हैं तो मेरे ख्याल से जीत तो लगभग तय तेलुगु वॉरियर्स की. ये देखना है कितने अरसे में आती है, फिर से उठाया है
फील्डिंग, फिर भी देखिए जाने नहीं दे रहे, कर्मठ प्रयास, जो काम है वो करना है चाहे हार हो या जीत हो। बहुत जबरदस्त कमिटमेंट दिखाया वहां पर फील्डर ने, और वेंकटेश ने भी दाद दी उसकी, लेकिन दो रन मिले, अब केवल 10 रन की जरूरत 11 रन जीत के लिए। फिटनेस लेवल्स काफी हाई है।